हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फर्स्टली हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, एंड सेकेंडली आपने हमारी लास्ट वीडियो काफ़ी प्यार दिया। होप शो कि आप आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहेंगे हमें, और हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे बहुत सारी। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि आज जन्माष्टमी है, तो हम सारे अपने फ्रेंड मोहित के घर जा रहे हैं, जहाँ हम थोड़ी पतंगबाजी करेंगे। और उसके साथ आज हमने जलंधर भी जाना है, वो आपको वहाँ जाके बताएंगे कि किसलिए जलंधर जाना है। चलो गाइस चलते हैं, फिर आप टाइम लैप्स को एंजॉय करो तब तक। गाइस चलो फिर चलते हैं, भाई मेरा बाहर वेट कर रहा है। ये देखो मनु, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि आज हमारा जलंधर जाने का ट्रिप बनेगा, और वैसे ही हम जलंधर के लिए निकले गए हैं। अभी रेलवे स्टेशन में ही खड़े, तो सामने ही हमारी ट्रेन है, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी ट्रेन है और ये 5-10 मिनट में निकलने वाली है। हमारा आगे का सफ़र स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे साथ आप बने रहिए। इस भाई ने हमारी बायोमेट्रिक कराना है, इसका नाम मोहित है, आपको पहले भी बताया था हमने। हेलो बोलो मोहित। हेलो भाई, क्या हाल चाल? तो चलते हैं, हम एक बात बताना तो भूल ही गया, ट्रेन में तो बेसिकली हमने जाना है, पर ये देखो मुझे कोई और ही ले रहा है, ये हमारे भाई। ये देखो भाई, इन्हें कोई काम नहीं है, हम मिल सकते हैं इनसे, ये फोटो शूट करा रहे हैं। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ना स्टार्ट कर दी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा बाहर का व्यू। ये देखिए भाई, ट्रेन चल रही है और उम्मीद है 3.5 घंटे तक हम जलंधर पहुँच जाएंगे। तो गाइस तब तक आप टाइम लैप्स को एंजॉय करिए। जो साथ में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, ये देखो बाहर का व्यू, उम्मीद है हम टाइम पे पहुँच जाएँ। कल मेरी बायोमेट्रिक है, तो इसलिए हमें आज जल्दी निकलना पड़ा। तो चलो फाइनली गाइज हम जलंधर पहुंच गए हैं। ये हमारा रेलवे स्टेशन है जलंधर का, वहाँ से आपको अच्छे से साइड अच्छे व्यू दिखेगा, तो मैं आपको वहाँ जाके भी दिखाऊंगा। अब हम कैब बुक कर रहे हैं होटल जाने के लिए। बुक नहीं की तूने? अभी करने लगा। कैब बुक कर दे तो फिर आपको दिखाते हैं होटल का व्यू। गाइज जैसे कि आपको मैंने अपना होटल बता ही दिया, होटल प्रेजिडेंट, जहाँ पर हम रहने वाले हैं। फाइनली हम अपने रूम में आ गए हैं, तो अगर आपको रूम का टूर चाहिए होगा तो हमें कमेंट में बताना, हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे रूम टूर के लिए। रूम काफ़ी अच्छे एंड बेस्ट हैं, तो जिसको भी चाहिए होगा वो हमें ज़रूर बताना। तो चलो आपको मिलते हैं थोड़ी देर तक, थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। ये देखो हमारा फ्रेंड है, तो
तो ये अभी ऑर्डर कर रहा है क्योंकि हमें, आपको पता है, बहुत भूख लगी हुई है। सुबह से हमने खाना नहीं खाया था, आपके सामने 6:30 बजे निकला था घर से। तो होप्स हो कि जल्दी से जल्दी अब ऑर्डर वाला आ जाए और हमें खाना सर्व करे। अब जैसे ही वो आता है तो वैसे ही खाना खाते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है। मोहित, आप भी कुछ रिव्यूज दो अपने, कैसा लग रहा है आपको होटल में पहुंच के? होटल कैसा लगा आपको? होटल बहुत बढ़िया। अगर आपको होटल का टूर चाहिए होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको जरूर होटल का टूर देंगे। जैसा कि मोहित ने बताया कि मतलब होटल बहुत अच्छा है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और हर एक चीज़ की फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमें। अंदर ही सब कुछ है, बाहर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, तो हम भी यही सोच के आए थे कि ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे। तो देखो, होप शो कि बाहर नहीं निकलने की नौबत पड़े, बट फिर भी आपको पता है मूड बन ही जाता है। खाना वगैरह खा लिया हमने, तो अब हम सोचते हैं थोड़ा बाहर चक्कर मारते हैं, पास में मार्केट है एक, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। साथ में दिखाएंगे आपको भी मार्केट कैसी है जलंधर की। मौसम तो बहुत काफ़ी अच्छा हो चुका है, ये देखो काफ़ी अच्छा मौसम है। जम्मू का पता नहीं क्या हाल है, लेकिन यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको, पास में ही है मार्केट, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलो चलते हैं आगे। तो गाइस, अब हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं और ये भाई है जो हमारा, ये कह रहा था मैंने जॉर्डन का शूज परचेज करना है, तो कोई नहीं, देखते हैं चल के। जम्मू में तो मिलता नहीं है, यहाँ पे देखते हैं मिलता नहीं मिलता। गाइज, हम होटल से नीचे आ गए हैं और मार्केट की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको अपना होटल दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा हमारा होटल है। वैसे जलंधर में ये चीज़ देखी है अच्छी कि यहाँ का स्ट्रीट फूड काफ़ी अच्छा होता है, तो हम वो भी ट्राई करना चाहेंगे। साथ में आज मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो जिसकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हो। हम भी नॉर्मली यहाँ पर पैदल ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें भी अच्छा खासा एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा, स्ट्रीट वगैरह को जान लेंगे। मार्केट भी पास में ही है, वो बता रहे हैं पीछे कि 10 मिनट का रास्ता ही है शायद से, तो हमने सोचा कि हम पैदल ही चलते हैं। कोई प्ले वे स्कूल है, आप देख सकते हैं काफ़ी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। देखिए हमारा जलंधर का क्लॉक टावर, शॉपिंग थोड़ी हमने कर ली है, शूज़ वगैरह ले लिए, थोड़ी टी शर्ट्स लेनी थी हम दोनों ने, वो भी ले ली, मैंने टी शर्ट ली, इसने ट्राउज़र लिया। कपड़ों की मार्केट हम पीछे छोड़ के आए हैं, वहीं से हमने टी शर्ट्स वगैरह ली, तो आगे हमारे सामने शूज़ की मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शूज़ वगैरह लगे होंगे आगे, ये पूरी मार्केट ही शूज़ की है। हमारे साथ क्या हुआ, यहाँ पर दो होटल प्रेसिडेंट हैं एक ही एरिया में कुछ 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो जो कैब वाला था उसने हमें दूसरे होटल प्रेसिडेंट के बाल उतार दिया और हम अंदर गए। जब हम अंदर गए तो हमने बोला कि हमारा, हमने लिफ्ट लिया, हम फर्स्ट फ्लोर तक ही पहुंच गए, लेकिन हमने देखा कि हमारा कुछ लग नहीं रहा, हमारा होटल लग नहीं रहा। तो हमने वहाँ पर रिसेप्शन में आके बात की कि ये कोई मतलब दूसरी साइड भी, इसका कोई बैक साइड भी रिसेप्शन एरिया है क्या? यही मेन है। तो बाद में हमें पता चला कि यहाँ से 100 मीटर होटल प्रेसिडेंट है, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। हम अपना होटल ही भूल गए। देखो गाइस क्या हालत हो रही है हमारे साथ यहाँ, अभी लाइफ में हमारे साथ पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा कि हम अपना घर ही भूल गए, अपना आशियाना ही भूल गए, जहाँ हमने रहना वही चीज़ भूल गए, होटल प्रेसिडेंट। ये रहा, और हम किसी दूसरे होटल प्रेसिडेंट में जाके रात गुजारने की सोच रहे हैं। हम अपने रूम में जाते हैं और आपको बताते हैं कि हमने शॉपिंग क्या क्या की है, ठीक है गाइस? खुला हुआ था? नहीं यार, क्या बंदा है यार, चिंतन खुला हुआ था वाली, तो क्या करता है यार, लगा लाइट भाई, मैंने खोल दिया था। हम रूम में आ गए वापस, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, तो देख लो एक बार कि हमने क्या शॉपिंग की है। मोहित ब्रो ये हमें बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या शॉपिंग की है अपनी, जितनी भी किया बताओ तो सही। तो हमने ये जॉर्डन
जो आपको बोला था, काफी टाइम से ढूंढ रहे थे लेकिन जम्मू में मिलते ही नहीं है। हाँ, वाइट कलर, वाइट मेरा फेवरेट कलर है। के पास कम से कम 5-10 शूज हैं और सारों के कलर वाइट हैं। वाइट में शूज नहीं है, या फिर ये वाइट लेगा या फिर ब्लैक। वाइट में मेरा दिल आ जाता है, कब सोच रहा कल मैंने जाना पड़ा, मैं देख लूं यही पहन के जाएंगे। वन टाइम देखते पसंद आएगा। अच्छा शूज है मोहित ब्रो, ये कितने का पड़ा आपको ये भी बता ही दो। कुछ 13,000 का दिया था आपको उन्होंने। हाँ भाई, राइट से देख सकते हैं आप शूज कॉटन के, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जिसको भी अच्छे क्वालिटी के अच्छे ब्रांडेड शूज चाहिए होंगे तो मुझे बताना, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, जब कुछ भी कर दूंगा आपको होम डिलीवर हो जाएंगे। उन्होंने हमें बताया है कि वो होम डिलीवरी भी करते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया अगर आप कहीं भी रहते हो और अगर आप शूज़ वगैरह ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको सस्ते में दिलवा देंगे वहाँ से, क्योंकि हमने उनके साथ काफ़ी बातचीत की और काफ़ी थोड़ी बाकी टाइम बना ली है हमने। उनके शॉप का ब्लॉग भी आपको जल्दी मिलेगा। अच्छी है जिम कह रहा है, जिम जब ज़्यादा करता तो जिम के लिए अच्छी टी शर्ट है, फिट है। और सेकंड ये भी एडिडास, ये एडिडास का काफ़ी बड़ा फैन है, तो एडिडास के साथ ही ये लेते हैं। अच्छी टी शर्ट है और अच्छी क्वालिटी की है और अच्छी चीप एंड बेस्ट है। यार मेरा चीप हो गया, चीप एंड बेस्ट बोल रहा, अच्छी है चीप। भाई कितनी है चीप, कितनी है? 1,000 रुपये की है, ये चीप होती है। आपके आपके 13,000 के ना, इसीलिए आपको चीप लग रहा है हमारा। कोई नहीं ब्रो, ये इसने जॉर्डन का पजामा भी लिया, तेरा जॉर्डन का फैन हो गया है। जॉर्डन मेरा फेवरेट ब्रांड है, चाहे तो वैसे नाइकी का ब्रांड है लेकिन तो उसके मुझे अच्छे लगते हैं। जम्मू में मिलते नहीं है तो मैंने यहाँ से लिए हैं। ये भी फड़ी का माल मिल जाता है जम्मू में, जम्मू में फड़ी का मिल जाता है, जम्मू का पहुँच जाता है 3 क्वालिटी 3A क्वालिटी। तो ये मेरे का बड़ा अच्छा। ऐसे गाइस आपको एक बात बताना चाहूँगा, जलंधर में शॉपिंग हमें बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ के लोग हैं उनका बात करने का तरीका भी, एक तो हमारे जो मतलब जलंधर के लोग तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जिस वजह से उन्होंने हमारे साथ बात की जब हम उनके उनसे शॉपिंग कर रहे थे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। तो मैं आपको ऐसे में जम्मू में भी बहुत बारी मैंने बहुत सारी दुकानों से शॉपिंग की है, मैं हर बार दुकान चेंज ही करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है एक ही दुकान में बार बार जाना, डिफरेंट वेराइटीज़ की चीज़ देखना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं हर बार दुकान चेंज करता हूँ, अगर कोई भी नई चीज़ खरीदूंगा तो इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, बट यहाँ की जो बात है वो डिफरेंट लेवल की है। लोगों वहाँ की, यहाँ के दुकानदारों ने काफ़ी प्यार से हमारे साथ बात की और आप मानोगे इसको तो शूज़ वो खुद पहना के बता रहे थे लोगों की, काफ़ी अच्छी बात है। और मतलब हम मार्केट में गए थे बट फिर भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री थी हर एक चीज़, और दुकानदारों की क्या ही कहना, वहाँ पर यहाँ पर मार्केट भी बहुत अच्छी है और ईजिली और चीप चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं एज कम्पेयर टू जम्मू के। तो अगर आप में से अगर कोई भी जलंधर आता है तो मैं कहूँगा कि जम्मू के बजाय वो यहाँ से शॉपिंग करे। मैं भी बोल रहा था कि मैं जम्मू से टी शर्ट वगैरह लेकर, तो मैंने उसको बोला कि वहाँ से मत लेना क्योंकि मैक्सिमम जो होलसेलर होते हैं वो यहाँ से एक ही बल्क में उठाते हैं सामान, फिर वहाँ जाके बेचते हैं, तो यहाँ पर अच्छा क्वालिटी का मिलता है और सस्ता भी मिलता है जम्मू के अकॉर्डिंग, तो अच्छा होता है यहाँ शॉपिंग। फ्रेंड्स ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग, ज़्यादा बड़ी नहीं कह सकते, छोटी थी। हम तो ऐसे घूमने के लिए गए थे, शूज़ तो ऐसे नॉर्मली चल रहे थे, पसंद आ गए, वहाँ पे लगे हुए थे जॉर्डन के 2-3 शूज़ लगे थे, तो मैं अंदर गया तो पसंद आ गए मुझे, तो मैंने ऐसे उठा लिए। अभी तो हम सुबह से ट्रैवल कर रहे थे और अभी भी यही चलना, तो हम काफ़ी थक चुके हैं। कोई नहीं, हम आधा एक घंटा रेस्ट करेंगे उसके बाद। यहाँ पास में मॉल है, एमईडी मॉल है, वहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हैं, अगर हो गया बन गया प्लान तो जाएंगे, आपको टूर देंगे मॉल का। और वैसे कहते हैं कि वो जलंधर का MPD मॉल काफ़ी अच्छा मॉल है, वहाँ पर खाने वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और शॉपिंग वगैरह के लिए, शॉपिंग तो वैसे हमने क्या ही करनी, शॉपिंग कर ही लिया, तो खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत खा पी के आके फिर वापस रेस्ट करेंगे, क्योंकि सुबह इसका बायोमेट्रिक भी है जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो वो भी थोड़ा अपडेट आपको देंगे उसके बारे में कि वो क्या होता है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा उसके अकॉर्डिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कैसे चाहिए होते हैं, जिसने भी बाहर पढ़ने जाना है तो उसके अकॉर्डिंग वो बात कर सकता है, पूछ सकता है, उसके लिए मैं अलग सा ब्लॉग बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा कैसा कैसा होता है।
चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर तक, रेस्ट वगैरह करके एंजॉय करो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने मॉल में जाना है, तो उस टाइम तो हम काफ़ी थके हुए थे, तो लग रहा था पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट हम अब कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम हो आए एक बार मॉल भी।